पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मझोला थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही महिला के साथ हुई 50,000 की लूट की घटना का मझोला थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की घटना का खुलासा कर दिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने दो अवैध तमंचे, दो फर्जी आधार कार्ड, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 38,050 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से मुंबई और दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि उनके एक साथी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता करते हुए लूट की इस घटना का खुलासा कर दिया। विशेष रूप से जो 10 जनवरी को एक बड़ा ही सनसनी केस घटना हुई थी, एक महिला जो बैंक से 50,000 रुपये निकाल के ले जा रही थी, दो बाइक सवार जिन्होंने उससे 50,000 रुपये लूट लिए थे, ये मंडी क्षेत्र की घटना थी। उस पर हमारी डीएसपी सिविल लाइंस और थाना मझोला की पुलिस और एसओजी हमारी टीम ये भी प्रयासरत थी। इन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज से लेके और जो भी ग्राउंड वर्क होता है, काफ़ी मेहनत के प्रयास के बाद ये गैंग पकड़ा गया है और ये बहुत ही प्रोफेशनल गैंग है। इन्होंने पूछताछ के दौरान अन्य घटनाओं को भी कबूला है, जिसमें एक और इसी थाना मझोला में एक चेन स्नैचिंग एक महिला से की गई थी। उसके अलावा भी कई घटनाएँ हैं जिसमें इन लोगों ने घटनाएँ की थी। दो अभियुक्त हैं इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, एक ताजदार है, ये बम्बई में रहता है, यहाँ कुछ समय से आके अमरोहा में रह रहा था और आसपास के क्षेत्रों में घूम के ये लोग घटना कर रहे थे। इनकी जो मॉडस अपरेंडी है कि इनका एक साथी जो दूसरा साथ में गिरफ्तार भी हुआ है, ये इसके माध्यम से रेकी होती थी वहाँ पर, ये वहाँ जाके ट्रेस करते थे, स्पॉट करते थे और इनको इन्फॉर्मेशन देते थे। तो ये जहाँ इनको मुफीद जगह मिलती थी वहाँ पर ये लूट की घटना को अंजाम देते थे। तो ये महत्वपूर्ण एक सफलता है जिसमें इनके कब्जे से ये रुपए जो लूटे गए रुपए थे उसमें से करीब ये 38,000 रुपए बरामद हुए हैं इनके कब्जे से। दो तमंचे, कारतूस भी बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल जो यूज़ की गई थी उस घटना में लूट करने में, पल्सर मोटरसाइकिल वो भी बरामद हुई है। और इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इन सब का आपराधिक इतिहास भी देखा गया तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है इनका। पूर्व में भी ये लोग लूट जैसे मुकदमों में जेल जा चुके हैं। ये बॉम्बे और दिल्ली से संबंधित हैं ये लोग। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इतनी दूर से आकर इस क्षेत्र में ये लोग घटना कर रहे हैं। इनका एक साथी जो अभी नहीं मिला है, जो उस दिन घटना में शामिल था, उसको हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उससे भी और हमें जानकारियां मिलनी हैं क्योंकि वो बेसिकली यहाँ अमरोहा में सेंटर्ड है वो, और उसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग अभी और इस गैंग के बारे में गहराई से जान पाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।